कौन है मैं आपको बता दूं। राम अवतार के समय में राम जी जब जंगल में गए तो कुछ ऋषि थे जंगल में। उन ऋषियों ने कहा, प्रभु हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? पत्नी। भगवान राम बोले कि देखो भाई, हम तो एक स्त्री धर्म का पालन कर रहे हैं, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। ऋषि उदार साधु बोले, महाराज आपसे विवाह करने के लिए तो हम तपस्या करें। भगवान ने कहा, एक काम करो, हम आपको वरदान देते हैं, द्वापर युग में जब हम कृष्ण बन के आएंगे तब तुम गोपी बन के आएंगे। अभी राज का प्रश्न चलने वाला है। राज मतलब क्या होता है, ये बात समझना जरूरी है। जो लोगों की भ्रांतियां ना, अभी कृष्ण का चरित्र जो चलेगा ना आज और आज शाम को, ये प्रश्न जानना जरूरी है। बाकी तो कृष्ण चरित्र में कहीं ज्ञान है तो कहीं बाल लीला की हंसी मजाक, पर ये प्रश्न जानना जरूरी है। लोग पता है, एक गाना निकला था पीछे, पता नहीं किस मूर्ख ने निकाला, कृष्णा करे तो रास लीला, हम करे तो करे लीला कर लो भाव। अपने आप को कृष्ण से कंपेयर कर रहे हो क्या? अपने आप को कृष्ण से बराबर समझते हो क्या? अरे कृष्ण तो 108 फल वाले सांप भी नाचे थे, आप एक एक गोगो जी पकड़ देख लो कहीं आई हैं। कृष्ण के बराबर अपने आप को मत समझो। कृष्ण ने तो मीरा का जहर भी पिया है, आप एक बूंद फिर देख लो। कृष्ण तो प्रहलाद के साथ विष्णु के रूप में आग में भी बैठे हैं, आप तो चुंचकड़ी लगाई देख लो, कृष्ण की बराबरी करो। रास का मतलब क्या है? इसका मतलब है रसा नाम समूह इति रास। जो कृष्ण के रस का समूह है वो रास है। और रास एक चीज बताऊं, यदि रास लीला जो लोगों की सोच है उसके बारे में बोलना, रास लीला यदि काम लीला होती तो इस रास में भगवान शंकर कभी नहीं आते। रास में भगवान शंकर आते हैं, और शंकर वही है जिन्होंने काम को जलाया, काम को जिसने जलाया वो है शंकर। शंकर के तीसरी आंख काम देवता जले थे, तो शंकर के जहां शंकर आते हो वो काम लीला नहीं हो सकती, रास लीला है, वो कृष्ण लीला है। मैंने आपसे कहा था कल कि कृष्ण का चरित्र विचित्र है, बड़े बड़े ऋषि भी नहीं समझ सकते। जब समझ में नहीं आता ना कृष्ण चरित्र, तब व्यक्ति बोरिंग होता है, बोर होता है। हाँ, फिर उबस नहीं आवे, समझ नहीं आवे। प्रेम से बोलो जय श्री। आज शरद पूर्णिमा की रात है और भगवान शरद का महीना है आशीवन आशोज का। भगवान यमुना किनारे बैठे हैं वृंदावन के जंगल में, और अर्धरात्रि को कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई है, बंसी बजाई है। और जैसे ही बंसी बजाई है ध्यान से सुनना, भगवान भिक्षरं तु मनश्चक्रं योगमायामुतं श्रितं। भगवान ने आधी रात को बंसी बजाई और बंसी की धुन गोपियों के कान में पहुंची। गोपियां घर में काम कर रही हैं, गोपियां हैं घर में, भगवान है वन में, यमुना के किनारे बंसी बट पे। एक गोपी गोबर, भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां हैं घर में, एक गोपी घर में गोबर का लेप कर रही थी। गोबर का लेप समझते ना? हाँ, अब तो गांव रहा हो समझो, गोबर के लेप कर रही थी गोपी। शहरों में जब हम कहते हैं ना गोबर का लेप करे, तो वो बोलते महाराज गोबर का लेप कैसे होता है? हाँ, गोबर का लेप ले रही थी, उधर कन्हैया ने बंसी बजाई, इधर गोपी घर में गोबर का लेप कर रही थी। जैसे ही बंसी सुनी
लेप करना भूल गई। और उसी समय वो गोपी गोबर से सन्नी हाथ को लेकर और जहां से बंसी की आवाज आ रही थी उसी तरफ क्या बात है दूसरी तरफ एक गोपी घर में अपने पति को भोजन खिला रही थी। एक बात बताऊं, कन्हैया बंसी बजा रहे हैं किंतु बंसी केवल गोपियों को सुनाई दे रही है। बंसी केवल गोपियों को सुनाई दे रही है, गोपियों के अलावा बंसी किसी को सुनाई नहीं दे रही है। गोपी अपने पति गोपी जो थी अपने पति को भोजन करा रही थी। और आपको पता है प्राचीन काल में माताएं जब रोटी बनाती हाथ से ऐसे 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 रोटी बनाती फिर तोवे पे डाल के फिर तोवे से फिर आग के पास रखती अंगारों के पास खीरों के पास और फिर अंगारों से सिकने के बाद रोटी देती थाली में। तो गोपी बना रही थी रोटी और रोटी रखी थी चूल्हे के सामने अंगारों के पास। उसी समय कन्हैया की मधुर बंसी बजी और उसने गोपी के पति ने कहा अरे देवी सुनती हो कब से रोटी मांग रहा हूं रोटी नहीं दी अभी तक आधा घंटा हो गया। पर गोपी को तो बंसी सुनाई दे रही थी भूल गई रोटी देने। गोपी को पता चला नहीं कुछ भी और गोपी ने रोटी की जगह जो अंगारे थे खीरा खीरा अंगारे उन अंगारों को उठाया हाथ से और उस अपने पति की थाली में रख दिया। पति बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सटिया गया तुम्हारा दिमाग क्या होगा। बोले तुमने अंगारे डाल दिए। अब एक बात ध्यान से सुनना उत्तर दे रहा हूं यदि गोपियों के अंदर काम होता तो महाराज काम वाला अंगारों को नहीं छू सकता। काम वाला अंगारों को छू सकता है क्या खीरा ना ले सकता जी दिन में काम हो। काम वाला अंगारों को नहीं छू सकता अंगारों को वही छू सकता जिसके अंदर राम है। समझे मेरी बात को गोपी का मतलब क्या है गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। गो बोलते इंद्रियों को कान आंख नाक मुंह वगैरह वगैरह हाँ जो कान आंख नाक मुख से निरंतर कृष्ण की चर्चा करे कृष्ण को देखे कृष्ण के बारे में सुने वो है गोपी। यदि आप कृष्ण की कथा सुन रहे हो गा रहे हो देख रहे हो तो आप भी गोपी हो मैं भी गोपी हूं। गोपी स्त्री को नहीं कहते गोपी पुरुष को भी नहीं कहते गोपी उसे कहते हैं जो कृष्ण का रस लेते हैं वह गोपी। और जैसे ही बंसी की धुन सुनाई दी वो गोपी तो रोटी को छोड़ दिया और आटे से सन्ने हाथ लेकर कृष्ण की तरफ आता। ध्यान से सुनना एक गोपी कर रही थी लिपा पोती। लिपा पोती समझते हो लिपा पोती समझो नहीं लिपा पोती यानी डेंटिंग पेंटिंग हाँ मेकअप समझो। एक गोपी कर रही थी मेकअप है सो महाराज इधर से बंसी बजी पर मेकअप करना भूल गई। कैसे भूल गई जो जो होंठ पे लगता है उसको आंख पे लगा लिया और जो आंख पे लगता है उसको होंठ पे लगा लिया क्या लगता है हाँ होंठ पॉलिश और आंख लाले क्या जो भी आप समझ लें जो भी वही होंठ वाले से फिर आंख पे लगा क्या होता है जो होंठ वाली आंख पे लगा लिया आंख वाली होंठ पे लगा लिया उल्टा कर दिया उल्टे ये कपड़े पहन गए। अब एक चीज बताऊं आपको कोई देख नहीं आए तो क्या आप इस तरह काजल को आंख पे लगाओ काजल को होंठ पे लगाओगे और वो जो लाल दिव्य होंठों पे लगता है वो आंख पे लगाओगे कभी नहीं लगाओगे। तो गोपियों को यदि अपने रूप का भान होता अपने शरीर का भान होता तो गोपियां सज धज के जाती ना कि उल्टा पुलटा श्रृंगार लाके। और जैसा तैसा श्रृंगार हुआ डेंटिंग पेंटिंग गोपियां भागी सुवर्ण वाले की तरफ। अभी ध्यान से सुनना ये कथा हमारे राजस्थान की है। एक गोपी जब उसको जोर से बंसी सुनाई दी तो वो गोपी घर से निकली उस बंसी वाले से मिलने के लिए उसकी सास
और उसकी नंद उसके पति ने उसको पकड़ लिया और उसको घर के अंदर कैद कर दिया और आगे से ताला लगा दिया। उस गोपी ने पद्मासन मारा और रोगी थी वो गोपी और ध्यान करते हुए कृष्ण का और अपने शरीर को योग आग में जला लिया और जला के अपनी अपनी आत्मा को सबसे पहले परमात्मा के चरणों में पहुंचा दिया। जब रास पूरा हुआ, अंत में जब रास पूरा हुआ तो कृष्ण ने सबको वरदान दिया। जो गोपी आत्मा से परमात्मा के पास आई थी उससे कृष्ण ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो पता उसने क्या कहा था?